नमस्कार, आप देख रहे वज्रपात न्यूज। विश्व पर्यावरण दिवस पर लोगों तक पर्यावरण संरक्षण का पैगाम पहुंचा रही जीविका दीदी। जीविका दीदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर जागरूकता हेतु रंगोली, मेहंदी, प्रभात फेरी तथा रैली का किया गया आयोजन। इस वर्ष जल जीवन हरियाली के तहत कुल 5,00,000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य। पर्यावरण दिवस के अवसर पर पश्चिम चंपारण जिला के जीविका दीदियों ने बड़े पैमाने पर पौधारोपण कर पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया है। पर्यावरण सुरक्षा के संदेश वाहक के रूप में जीविका दीदियों ने अपने पोषक क्षेत्रों में प्रभात फेरी और रैली का किया आयोजन, साथ ही बड़ी संख्या में पौधारोपण कर इस वर्ष के वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर संकुल संघ एवं ग्राम संगठन स्तर पर बैठक का आयोजन करते हुए रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। जीविका दीदी द्वारा अपने निजी एवं सार्वजनिक जमीन पर बड़े पैमाने पर पीपल, आम, अमरूद, जामुन जैसे फलदार वृक्ष तथा शीशम, सागवान, महोगनी जैसे कीमती लकड़ी देने वाले वृक्ष भी लगाए। अधिकार जीविका संकुल संघ की अध्यक्ष मेहरू नेसा ने बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि सिर्फ पौधा लगाने की देखभाल एक संतान की तरह करना चाहिए। जिला परियोजना प्रबंधक श्री अविनाश कुमार ने जानकारी दी कि जीविका दीदी द्वारा जिले में कुल 17 दीदी की नर्सरी का संचालन मनरेगा एवं वन विभाग के सहयोग से किया जा रहा है, जिससे इस वर्ष संबंधित विभाग को लगभग 3,50,000 पौधे की आपूर्ति की जाएगी। बताया कि जीविका दीदी पर्यावरण संरक्षण की भूमिका निभा रही है। जीविका दीदी न केवल वृक्षारोपण में आगे आ रही है, अपितु ये समाज के अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित कर रही है। दीदियों का इस प्रकार आगे आकर समाज को प्रेरित करना एक सकारात्मक संदेश है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रबंधक सामाजिक ने जानकारी दी कि विभिन्न प्रखंडों में अब तक कुल 36,045 पौधे लगाए जाने की सूचना मिली। इस वर्ष जिले में जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत 5,00,000 पौधा लगाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसे समय रहते हुए पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि पिपरासी प्रखंड की क्रांति देवी को प्रखंड प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वज्रपात न्यूज़, बेतिया।